जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा एक कपल मेरे साथ मौजूद है, भाई का कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से टांग चली गई, लेकिन उनकी बीवी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। क्या काम करते हैं? मंडी दा पल्लेदार। कितने बच्चे हैं आप? 6 बच्चे। वे बच्चे क्या करते हैं? उत्थे भीख मांग के अपनी रोटी खांदे। सिर्फ रब कोल मंगिंदा सी कमा के लियांदा, हुण जिद्दां दी लत टुट्टी है सारे मंगण लग गए। एक्सीडेंट किस तरह होया? फुटबाल ते खल्ला सी ते उन्होंने कार उत्ते चढ़ा दित्ती, लत टुट गई, पार्टी टुट गया, डिग गया, दौड़ गया। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी रुकी नहीं? नहीं नहीं, उस ब्रेक ही नहीं लाई सी। 8 महीने हो गया, नहीं इलाज नहीं कर रहा, दवाई लिख के दें दे, इलाज नहीं कर, ना कोई मकान ना झोपड़ी, इतने रड़े ते ही सौंदे। 6 महीने हो गए ना इतने रेंदे, दूसरे दिहाड़े दी ना दवाई खाती है ना रोटी खाती, घर दी जाएगी तो भीख मांग के दवाई लै आई, दवाई पूरी होंगी है, 2-2 दिहाड़े रोटी नहीं खाने, भुखे सै जाने। अज दूसरा दिहाड़ा रोटी नहीं खाती, ना दवाई सी ना रोटी खाती। ऐ तो कोई बात जी, अल्लाह तरसी करे, मेरा मैनू पैसे की लोड़ नहीं, मेरा कोई इलाज करे चाहे मेरे बच्चे ही दवाई देने, मैं भी दवाई देंगा, तो कोई अल्लाह के ना मेरी कोई मदद करके मेरा इलाज करे, मैंने पैसे की लोड़ नहीं। कहाँ के रहने वाले? जंग। जंग के इतनी दूर से लाहौर में फिर क्या कर रहे हैं? कमाना है सी। क्या काम करते थे? मंडी दा पल्लेदारी। अच्छा, मंडी का काम करते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियां? 3 बेटे 3 बेटियां। 3 बेटे हैं और 3 बेटियां। बच्चे कहाँ पे हैं? फैसलाबाद किसी को छोड़ के आया, मशहूम इन कमान नाले नहीं। वहाँ पे बच्चे किसके पास छोड़े हैं? वो कौन है? मामू हैं जिदे पास छोड़े। बच्चे क्या करते हैं? बड़े हैं जवान हैं? नहीं, छोटे छोटे हैं। तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? उत्थे भीख मांग के अपनी रोटी खाते हैं। बच्चे भीख मांगते हैं? हाँ, भीख मांगते। तो आप यहाँ पर मंडी का काम करते थे? हाँ करते, जिद्दां दी लत टुट्टी है सिर्फ रब कोल मंगिंदा सी कमा के लियांदा, हुण सारे मंगण लग गए ने। ते किस तरह एक्सीडेंट किस तरह होया? एक्सीडेंट फुटबाल ते खल्ला सी ते उन्होंने कार उत्ते चढ़ा दी, लत टुट गई, पार्टी टुट गया, पैर भी टुट गए। कार वाले ने आपकी टांग के ऊपर जो है कार चढ़ा दी? हाँ, कार चढ़ा दी, तो वो फिर दौड़ गया, मैं डिग गया, दौड़ गया, तो फिर नूह अस्पताल इलाज। 8 महीने हो गए, नहीं इलाज नहीं कर रहा, दवाई लिख के दें दे, इलाज नहीं कर। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी रुकी नहीं? नहीं नहीं, उस ब्रेक ही नहीं लाई सी। ये देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने वालों को मैं यही कहूँगी कि गाड़ी रखनियों का पता है, लेकिन गाड़ी रखने का पता है लेकिन चलाने का नहीं पता। चले अगर एक्सीडेंट हो भी गया था तो इनकी मदद करनी चाहिए थी, क्यों नहीं मदद की? एक्सीडेंट हो गया और भाग के चला गया, कम से कम चलो आपने पैसे नहीं लगाने, आपने खर्चा नहीं करना, तो कम से कम उस बेचारे को गाड़ी में बिठा कर हॉस्पिटल तो ले जाओ। एक गाड़ी रख लेते हैं लेकिन इनको पता नहीं कि किस तरह चलानी है, और इस तरह जो गरीब लोगों का नुकसान करते हैं। 8 बच्चे उनके, 8 बच्चे के बच्चे जो है बाप की टांग टूटने की वजह से भीख मांगने पे आ गए, और वो फैसलाबाद में वहाँ पर भीख मांग रहे हैं, मांग के जो है वो अपना पेट पाल रहे हैं, और माँ बाप जो है लाहौर में यहाँ पर रोड पर सरे आम, ये देखिए खुले आसमान के नीचे चार पे रखे और यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं। हमारी झोपड़ी नहीं है, रड़े ते गुजार रहे हैं, ना कोई मकान ना झोपड़ी है, इतने रड़े ते ही सोने। जगह भी नहीं है रहने की? नहीं नहीं है, 6 महीने हो गए ना इतने रहते हैं। 6 महीने से इस तरह खुले आसमान के नीचे चार पे रख के बैठे हुए हैं? हाँ, इतने ही बैठे हैं। तो इधर जब गर्मी होती है, धूप आती है, फिर क्या करते हैं? फिर भी पुल थल्ले हो जाते हैं। अज दूसरे दिहाड़े दी ना दवाई खाती है ना रोटी खाती है, जान घर दी जाएगी तो भीख मांग के दवाई ले आएगी। किस तरह ये टांग टूटी, कहाँ से है? टांग टूटी है, इतने भी टूट गई, ये भी टूट गए, पट भी, सारी लत टूट गई, सारी लत इंच ब्रेक के। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर जमींदा उन्होंने कहता भी लत जोड़ा है, देखो इस तरह की हड्डियाँ टूटिया, ऐ पट दी है, दिखाएं सामने, इस तरह की हड्डी टूटी हुई, जोड़ नहीं रहे, 8 महीना का दवाइया लिख के दें, कहते दवाइया ना होएगा, वह भी बैर दी अंदर अस्पताल दवाई भी नहीं देते, बैर दी लिख के दें। बाहर की जो मेडिसिन है वो आती भी महंगी होगी? हाँ महंगी होगी, वो लिख के दें अंदर, एक बार भी 8 महीना में एक बार भी नहीं दवाई अंदर की लिख के दी, बैर दी लिख के दें, तो डॉक्टर सुनते नहीं, नूह अस्पताल इलाज सुनते ही नहीं है, जमींदा दवाई लेके तो चिड़ा मार के चेक दें। गलत बात है, सारी बातें एक साइड पे, लेकिन ये जो आप यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं, एक आपकी हालत वैसी है और ऊपर से खुले आसमान के नीचे गर्मी सर्दी बारिश मौसम तो चेंज होते रहते हैं। ऐ तो कोई बात जी, अल्लाह तरसी करे, मेरा मैंने पैसे की लोड़ नहीं, मेरा कोई इलाज करे चाहे तो उन्हें मैं मेरे बच्चे ही दवाई देंगे, मैं भी दवाई देंगा, नाले रड़े 6 महीने हो गए बैठा बैठा, ना कुछ आते ना काश है, झोपड़िए भी नहीं है, तो कोई अल्लाह के नाँ की मेरी कोई मदद करके मेरा इलाज करे, मैंने पैसे की लोड़ नहीं, बस ऐ गल। वापस गए नहीं है जहाँ पे बच्चे हैं आपके? नहीं गए, पैसा ही नहीं है बनता तो नहीं गए, बच्चे हूँ अल्लाह के सबूर से पता नहीं की उन्होंने पे निपते हूँ, आम
मेरे साथ मोबाइल ही कोई नहीं है, इतनी गुरबत है मेरे उ। और दवाई लेकर आती है रात को, और खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रीना बीबी। बाजी पहले तो मैं बड़ी खुशी हो रही है, मतलब आपको सलूट पेश करते हैं कि आपने मुश्किल टाइम में अपने शोहर का जो है वो साथ नहीं छोड़ा। तो किस तरह गुजारा हो रहा है? बाजी जी मैंने अल्लाह लिखे उनसे ही होना गुजारा, ना दुनिया को साड़ी सुन रही है ना को कर रही है। ऐ वेख लो तेरे सामने बैठे ने, दिन का भी रोते जाना तो रात का भी रोते जाना ने मंगन, तो ने रोटियां लैते देनी है, आ दवाई लैनी है तो इन देनी है, ना तो गुजारा नहीं होता। लेकर आते हैं रात को, वो कितने की आती है? हज़ार रुपये की। अच्छा, डेली 1000 की मेडिसिन आती है, फिर आप लोगों ने अपना खर्चा भी करना होता है? हाँ नहीं, दो दवाई पूरी होती है, दो दो दिहाड़े रोटी नहीं खाने, भूखे सह जाने, भूखे भी सो जाते हैं। हाँ आज दूसरा दिहाड़ा रोटी नहीं खाती, पैसे नहीं सी रोटी नहीं खाती, ना दवाई सी तो ना रोटी खाती। यहाँ पर आप खुले आसमान के नीचे इस तरह खुली जगह पे चार पे रख के बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुजरते हुए किसी ने आपको पूछा नहीं क्या हुआ आपको? कोई नहीं पूछा बाजी, जिन्हें सवाल किया कोई अल्लाह के नाँ की मदद करो कोई सुनता ही नहीं, बड़े लोग आते हैं कारा थे गाड़िया थे, कोई सुनता ही नहीं। ये नाजरीन क्या कहूँ मैं इन लोगों को कि यहाँ पर गुजरते हुए मेरी इन पर नज़र पड़ी है, और हम लोग यहाँ पर इनका इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जिस जगह पर ये बैठे हुए हैं, ऊपर पुल के ऊपर से भी लोग गुजर रहे हैं, नीचे से भी गुजर रहे हैं, किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पता नहीं कोई पूछता ही नहीं है कि क्या वजह है, आपने खाना खाया नहीं खाया, क्या मसला क्या आपको, किस तरह दुनिया मतलब कि बाजी गड्डियाँ मुलाजमान दी जाती भी नहीं पूछते, उल्टा तंग करते ने कहते पुल थलू दौड़ो, शफीकाबाद लक्कड़ मंडी पार्च तरेली भी हुकूमत आँदी ये नहीं, उन्होंने कविंदा टंग भजी कहते पुल थलू दौड़ो, वो भी तंग करते हैं। सारे जुल्म गरीब पे ही हैं, अमीरों को कोई नहीं पूछता कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं क्यों क्या, वैसे कुछ भी नहीं पूछता, गरीब के लिए सारी सजाएं हैं। ये देख लें यहाँ पर गरीब के लिए तो यहाँ पे जिस जगह पर उन्होंने चार पे लगाई यहाँ पर नहीं बैठने देते, कहते यहाँ से उठ जाएं। मैं क्या क्या कहूँ ऐसे लोगों को, मैं यही कहूँगी कि गाड़ियाँ रख लेते हैं लेकिन चलाने का पता नहीं है, गाड़ियाँ अगर चलाते हैं तो अगर एक्सीडेंट अल्लाह की तरफ से हो ही गया था, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि आप उस बंदे की मदद करें, उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाएं। आपको नहीं पता जिस बंदे ने ये एक्सीडेंट किया, उसको नहीं पता कि इस एक्सीडेंट के बाद उनकी ज़िंदगी में कितने मसले हुए हैं, उनके 8 की 8 बच्चे जो है वो किस तरह भीख मांग रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगी कि इन लोगों की मदद करें जितना हो सके, अगर कोई मदद करना चाहता है तो इनकी मदद करें ताकि अपना इलाज करवा सके कम से कम, और कुछ नहीं तो 3 टाइम का खाना तो खा सके, 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया। मुझे इजाज़त नहीं मिलती अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।